आखिरकार पाकिस्तान प्लास्टिक के नोट क्यों निकालने जा रहा है, जानेंगे भारत ने भी क्या कभी प्लास्टिक के नोट निकाले थे, क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या जाली करेंसी की भरमार हो रही है या कुछ और कारण है। तो वहीं दूसरी तरफ पीयूष गोयल का ये रूप कभी नहीं देखा था। बड़े ही गुस्सेल अंदाज में इन्होंने पूछा कि अमेज़न जो कंपनी है उससे भारत को क्या फायदा होता है, ये जो निवेश निवेश की बातें करते हैं इससे हमें क्या मिलता है, जानेंगे इसके 48 घंटे के अंदर अमेज़न ने क्या किया है। बहुत महत्वपूर्ण खबर है, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ा ही अलग सा फैसला ले रहा है, वो भी ऐसे समय में जब उसकी इकोनॉमी खस्ता हाल है। पाकिस्तान की केंद्रीय बैंक इस साल के अंत में एक प्रयोग करने वाला है। हालांकि ये प्रयोग सफल होगा तभी पूरी तरीके से बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल होगा। केंद्रीय बैंक पॉलीमर प्लास्टिक के नोट लाने वाला है, यानी जो नई करेंसी होगी ये एक पॉलीमर प्लास्टिक से बनी होगी जो कुछ इस तरह की दिखती है। केंद्रीय बैंक इसके साथ ही इस पर बेहतर सुरक्षा और होलोग्राम की सुविधाएं देंगी, अच्छे से फिर से डिजाइन किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि इस साल दिसंबर तक सभी मौजूदा कागजी मुद्रा नोटों को फिर से डिजाइन किया जा रहा है। अहमद ने कहा 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 इन सब के नए नोट जारी होंगे और पुराने नोट कम से कम 5 साल तक प्रचलन में रहेंगे और फिर केंद्रीय बैंक उन्हें बाजार से हटा देगा। स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये भी कहा कि जनता के लिए ऐसा एक मूल्य वर्ग में नया पॉलीमर प्लास्टिक बैंक नोट जारी किया जाएगा, देखेंगे कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। अगर प्रतिक्रिया बढ़िया होगी तो फिर जितने भी मूल्य वर्ग के हैं सब पे हम यही करेंगे, यानी 10-20 लॉन्च करेंगे और अगर ये अच्छा रिस्पांस देता है तो फिर हम सारे को वही कर देंगे। अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान पहला देश है, लेकिन बहुत कम देश हैं जो प्लास्टिक नोट का इस्तेमाल करते हैं। अभी 40 देश हैं जो इन बैंक नोटों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1998 में पॉलीमर बैंक नोट का शुरुआत करा था। आपको बता दूं यहां पर 5000 के नोट बंद नहीं कर रहा है पाकिस्तान, जो कि कहा जा रहा है इसका मतलब है कि करप्शन देश में जाने वाला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान लॉन्च क्यों कर रहा है या कोई भी देश लॉन्च क्यों करते हैं पॉलीमर नोट के लिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यह लंबा चलता है साधारण कागजी नोट के तुलना में। एक तो ये कागजी नोट के तुलना में जल्दी खराब नहीं होते हैं, दूसरा इसमें 3 लेयर की सुरक्षा होती है जिसकी वजह से जालसाजी करना थोड़ा मुश्किल होता है, नकली नोट बनाना आसान नहीं होता है। तो फिर सारे देश इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण ये बताया जाता है कि इसे ले जाना ले आना आसान नहीं होता है, इसको मोड़ कर रखना आसान नहीं होता है। दूसरी चीज ये होती है कि अगर बारिश की पानी इस पे पड़ गई तो ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं, फिर इसको निकालना एक दूसरे के साथ मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज ये कही जाती है कि इसका रिसाइकल उतना बेहतर नहीं होता है। चौथी चीज कुछ लोग मानते हैं कि इसमें एनिमल फैट होता है जिसकी वजह से धार्मिक तौर पर भी बहुत लोग इसे सही नहीं मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर में प्रैक्टिस नहीं किया गया। स्क्रीन पर देखिए, हैती ने 1982 में, कोस्टारिका ने 1983 में, इसले ने 1983 में, ऑस्ट्रिया ने 1988 में पहला देश बन गया जिसने सारे नोट को बदल दिया और सारे नोट को बदल कर ये इस्तेमाल करने लगे। श्रीलंका ने भी इसका ट्रायल लिया है। इसके अलावे थाईलैंड, मलेशिया, इन देशों ने भी ट्रायल लिया है। यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट में आप देख रहे हैं ये नाम, और आपको बता दूं इसमें और भी चीजें हैं और इसमें भारत भी एक नाम है जो आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेगा। ये जो वियतनाम, हांगकांग, नाइजेरिया, रोमानिया, इजराइल, निकारगुआ, इंडिया, सितंबर 2009, इसके अलावे भी चिली, निकारगुआ वगैरह वगैरह आपको दिखेंगे। फिर 2013 में भी भारत ने एक ट्रायल लिया और 10 रुपए के नोट को निकाला, 5 शहरों में निकाला था। इसके बाद और अगर आप जाते जाएंगे तो यहाँ इस लिस्ट में आपको
भारत 2015 में भी मिलेगा। यहाँ पर भी एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया था पॉलीमर को लेकर। इसके अलावे भी आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस लिस्ट में। 2017 में भी भारत ने कुछ लोकेशंस पे इसे चलाने की कोशिश करी थी। खैर, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये वीडियो पीयूष गोयल के बड़े रुद्र रूप को दिखा रहा है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में अमेज़न को दुत्कारते हुए ये कहते हैं, But reality is all of you buy on these platforms, don't you? How do you buy? B2C is not allowed on these platforms. How are they doing it? Should this not be a matter of concern for all of us? अमेज़न कहता है एक साल में इसे 6000 करोड़ का नुकसान हो गया। किस बात का नुकसान? क्या है आपका? आपका बिजनेस टू क्लाइंट तो है नहीं। या बिजनेस टू क्लाइंट का मतलब हो गया कि जैसे दुकान है और हम दुकान पे सीधे सीधे जाते हैं और चीजों को खरीदते हैं। इन्होंने कहा आप तो मात्र एक प्लेटफॉर्म हो, B2B हो, आपसे जुड़ते हैं दुकान और फिर आपके जरिए खरीदते हैं, आप दुकान नहीं हो। फिर आपको 6000 करोड़ का क्यों नुकसान हो गया? आप करोड़ों करोड़ सैलरी देकर लोगों को क्यों रखते हो? तभी कोई ऐसा करता है, जबकि बड़े बड़े टॉप क्लास के लॉयर को अगर आप हायर करते हो तभी इतने पैसे दिए जाते हैं। बाद बाकी आप जब कहते हो कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन सा इन्वेस्टमेंट करते हो? कहाँ जाता है वो पैसा? आप अपने लॉस को मैनेज करने की कोशिश करते हो, हमारे देश में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। ये जो वीडियो है बड़ा ही धमाकेदार वीडियो है, इसका असर देखिए क्या होता है। अमेज़न अगले 2 दिन के अंदर ही कई सारे प्रोडक्ट के जो फीस हैं उसको कम कर देता है। जहां 13% फीस ली जाती थी, वहां मात्र 2% फीस ये ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इन्होंने कहा वो गलत नहीं कहा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है, एक अमेज़न का एम्प्लॉई कह रहा है कि मैं करोड़ों रुपए उठा चुका हूँ लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है। बात तो सही है, एक अमेज़न जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में क्या काम है? हालांकि यहाँ पर अब ये सवाल करने लगे हैं इस बड़ी जायंट से कि तुम हमारे देश में कौन सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।